में मैं बेटे की हैसियत से आता हूं, हर बार आता हूं, हर दुख सुख का साथी हूं, इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हूं, और एक रागनी का नंबर लगाया है। और बात कहां से, वो राजा अशुपति अपनी बेटी की शादी सावित्री की शादी के लिए ये कह देता है सावित्री से कि जाइए और अपना वर ढो लीजिए, यहां भी आपको मिले जो आपका मन करे उसको वर ढो लीजिए। सावित्री अपना रथ लेकर जंगल बियाबान के रास्ते से जा रही थी और चलते चलते एक पेड़ के ऊपर एक लड़के के ऊपर नजर पड़ती है, उसका नाम सत्वान। सत्वान पर नजर पड़ी और जाकर उसके पेड़ के नीचे रथ रोक दिया और कह दिया कि लकड़ी काटने वाले तुझसे तो बात करनी है। हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, निर्धन लकड़ हारा था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है आप कोई महारानी हो, किसी राजा की लड़की हो आप, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। कहा मैं राजा की बेटी हूं, किसकी बेटी हो, मैं राजा अशुपति की बेटी हूं, क्या चाहती हो कि तेरे से शादी करना चाहती हूं, कि मुझे निर्धन लक्कड़ हारे से आप शादी करना चाहती हो, ये कोई तुक नहीं बन पाएगा क्योंकि मैं निर्धन लक्कड़ हारा हूं और आप राजा की बेटी हो, कि तू एक काम कर कि तेरे परिवार के अंदर कितने शख्स हैं। कहती है कि मेरे, वो कहता सत्वान कि मेरे परिवार के अंदर मेरी माता और मेरा पिता और एक तीसरा मैं हूं। मैं अपने मात पिता से इस बारे में बात करूंगा। जाकर अपने पिता के पास पहुंचा और जाकर कहा कि पिताजी एक लड़की है, एक राजा की बेटी है, वो मुझसे शादी करना चाहती है। यहां कवि ने कल्पना करी है, यहां से अर्थ लिखा है, क्या लिखा है क्या बताया कैसे। पिता से बोलिया सब ते चोरी हो जाती, के तू सबसे कहा के सब ते चोरी हो जाती, ना मात पिता ते चोरी, उस अशुपति की सावित्री पिता शादी ने सर हो रही। के पिता मैं शादी तो कर सकता हूं लेकिन मुझे उसका रंग ढंग देख, उसके आभूषण देखकर मैं दंग हो गया हूं। क्यों बेटे, कि मुझे वो भेद बता दे पिता, कौन सा भेद, क्या लिखा क्या बता बेटे। तेरा राजपाट किसने छीना, राजपाट किसने छीना, भेद खोलिए पहने लकड़ी बेचू करूं गुजारा, ऐसी चोट कौन सहले, अरे कदमन चंबार समझा लो, कद आख्या ते जल बहले, कड़े फूस के छप्पर में कैसे राज दुलार रहले, राजा के ते महल तुम्हेले, राजा के सब ते चोरी हो जाती ना, मात पिता ते चोरी, सब ते चोरी हो जाती। ताना मारेगी सजनों, अपने बदलने का ढंग बताता है सत्वान। क्या दूसरे नंबर
बदलूते कैसे बदलू बदलूते कैसे बदलू दुनिया का ढंग देख के अरे चढ़ काहे पे मोहित होगी उपानंग देख के ओकर ठुकराने राजा नंगा अंग देख के अरे होती जीत नजर आरी तो बेका जंग देख के उड़ी पतंग देख मेरे पे उड़ी पतंग देख मेरे पे वो चलना चाहती डोरी सबसे चोरी हो जाती ना चोरी हो जाती पिताजी मेरा ऐसा अंग नंग है के तन के ऊपर कपड़े भी नहीं है और अगर ऐसा हाल उस अशोकपति ने मेरा देख लिया तो ठोकरों से ठुकरा देगा कि मैं उसका जवाई बनने लायक नहीं हूं। इस नंबर में क्या अरे मात पिता मेरे दोनों देवता मात पिता मेरे दोनों देवता उनका आज्ञा चाहूं जो कुल के दागे लगा दे से मैं ऐसा बेटा ना हूं अरे तुम दोनों के सिवा ना देखे कैचे दाता ताऊ एक पेड़ के नीचे बैठी कहो अभी बुला के लाऊ अरे कहो तो हामी भर आऊ मुझे डर लगता है पिताजी क्यों डरता है बेटे कि जब तू एक काम कर उन तीनों लोगों को याद कर उन तीनों देवताओं को याद कर क्या लिखा चाहते हैं हुए अरे छेड़ा पार करेंगे अरे सबके दाता रे शंकर जी तेरा छेड़ा पार करेंगे अरे फंसे हुए हैं धारा में भरा छेड़ा पार करेंगे अरे पीरू मेरा पार करेंगे पीरू मेरा पार करेंगे अरे मेरे सतगुरु गारी सबके चोरी हो बार बार धन्यवाद तेरे करके दया छोड़ तू मन सुसने
कर क्या या तेरे सामी नाते पता परखे बिना परखे बिना खरे खोटे कीरी किसने मालूम ताते परखे बिना खरे खोटे की किसने मालूम ताते जैसे बिन ताली के पता चले बिन ताली के पता चले या तो किसने का ताला से क्रिया बिना जबी की बच्चा गोड़ कर लिया महाराज तेने मेरे पुत्र को पैदा होने के बाद में 12 साल बोहरे में योगी पुरुष बनाने के लिए भेज दिया और आज तुझे खूब मालूम है कि सारी गवाही इसके ही माफी का रही है, तुम फिर भी दोषी बताते हो, क्या कहती है कैसे बताइए जी। और आइए सुजनो, इस रागनी पर खुश होकर परमादरणीय विजेंद्र प्रधान जी, मनोज त्यागी जी, पूरा त्यागी परिवार 500 रुपए से इस रागनी का सम्मान कर रहा है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग लुगाई हर विद्वानी और जती बता के ये झूठी कर सफाई विद्वानी और जती बता के झूठी कर सफाई तेरे सौ सौ बार ब्राह्मणी आए लेके ब्याह सगाई तेरे जुलम करा दिखे जुलम करा हा जुलम करा या ते सा डूब गया न मौसी बहु Oh,
रानी, ये तीन चीज इंसान को दुनिया से खो देती है जो तेरे बेटे ने किया है। आज मेरी पगड़ी को दाग लगा है तो इसके कारण लगा है। मैंने सब कुछ सोच करके निर्णय लिया कि मेरा बेटा नहीं, इसे फांसी हो जानी चाहिए। तो मेरी गौर से बात सुन कि राज को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए और विनाश को की तरफ जाने के लिए इंसान क्या क्या करता है, कैसे बताया ये जी। उनका नाश करा दे हे भले पुरुष का सबके सभी चौड़े में सीन कटा दे, भले पुरुष का सबके सभी चौड़े में सीन कटा दे। जो अपने व्यापारी करे है पढ़ाई करके दया जला दे, और जत्ती नाम दिखे जत्ती नाम उसका से सजनो रे किसने पीर सदा दे। करके दया छोड़ दू सुतने योग
राजा देखते हैं तो रानी की आंखों से आंसू अंधारा बेरी है। न्यू कहने लगते हैं निर्णय लेना बड़ा कठिन है, रानी भी दोषी नहीं है। अगर पुत्र की तरफ देखते हैं तो पुत्र भी आज मरने के लिए तैयार खड़ा है। समझ में नहीं आ रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं राजा श्रीवान। दूसरे अंतरा में गुरु जी ने कैसे क्या दिखाई है जी। ओ धर्म स्वरूप कहनी चाहिए, कौन से
के पातल की छाया इनके वेचती प्रीत जगत में के सपने एक माया के वेचती प्रीत जगत में के सपने एक माया हे चोरी का धंधे उसका पानी चोरी का धंधे उसका पानी के पातल जंगली हाथी अच्छा जंगली हाथी अच्छा।
और लास्ट चंद्र में कवि ने क्या लिख दिया, क्या बताया, कैसे सुने? बढ़िया घोड़े की कीमत ने नदी चरैया के पंचायत और पंचो फुल्ले का बठैया के परमेश्वर पति परमेश्वर की सेवा दे शरण भैया के मजारी रे
कलयुग का अब प्यार सभी से करते हैं, प्यार सभी मरते हाँ, प्यार सभी से करते हैं, हर का नाम सुमरते हैं। सरकार है मोदी की, सरकार है मोदी की, सरकार है मोदी की, सरकार है।
बहन का मैं मेरा तू छोड़ के डरने बर्तन खाया रे चीज मारे तेरा की सर ले पति पत्नी ने रटोया करता पत्नी वार में तू कह देते दे तू अपने काट के समय मन पास जा वही उसका चौकी बिछी लाड़ ने गंगा नीर मंगाया
चंगल चौकी बिची मार दे चंगा नीर मंगाया हे निर्मल दूध गऊ का मैया निर्मल दूध गऊ का मैया हे चंगल घिसा घिसाया लाजा लाजा रीत वाला भाई लाजा तरफ से दिखा मिष्ठान मिठाई ए सारी चीज मंगाई ओ पान फूल मिष्ठान मिठाई ए सारी चीज मंगाई पान फूल मिष्ठान मिठाई सारी चीज मंगाई ओ पान फूल मिष्ठान मिठाई ए सारी चीज मंगाई तो नहीं से
इज्जत की झोल नहीं से, और इस इज्जत और आबरू का मोल तोल नहीं से कि हे मनुष्य 84,000 वर्ष इन योनियों में से बिछड़ गए, जब ये मनुष्य दे पाया किस तरह से कैसे बताया बता। हे बड़े भगत इस दुनिया में, बड़े भगत इस दुनिया में, बड़े भगत इस दुनिया में जन्म मनुष्य का पाया। मूर्ख बंदे मूर्ख बंदे फिर टोहता है माया हर माया, मूर्ख बंदा फिर टोहता है माया हर माया। हे सुना कुआ बताया रे जिसमें, हो सुना कुआ बताया जिसमें झूठो नहीं इस रागिणी का सम्मान कर रहे हैं। गुरु जी का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और आज से मात्र 4 दिन के बाद ये मनोज त्यागी एंड पार्टी के नाम से, भंगेल के नाम से ये यूट्यूब पर ये सारी रागिणियां डल जाएंगी। मैं गुरु जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ, आपका यहाँ पहुंचने पर बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
जो इंसान एक परम पे एक नेम पे रहता है वो परली पार उतर जाता है, हमसे पार उतर जाता है। के शिव दा पंडित ने ओ हो रघुनाथ एक दिन सपने उस धर्मराज कर जाना, रघुनाथ एक दिन सपने धर्मराज कर जाना भाई, उसका भी एक गाना जिसका ओ, उसका भी एक गाना जिसका और मीठा बोल नहीं है, इस रूपा को बोल तो नहीं आइए बड़े भाई गजब सिंह भट्ट।